Hi guys, I hope all of you are doing absolutely great. Welcome back to Edunic YouTube channel. Guys, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं JEE Mains 2021 से रिलेटेड. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे JEE Mains कब होगा, सिलेबस के बारे में, JEE Mains एग्जाम, JEE Mains पोस्टपोनमेंट और ब्ला ब्ला ब्ला, कितने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं. पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी मैंने 7 दिन पहले, तो उसमें हमने बात की थी कि जो NTA है वो 20 नवंबर तक अपना ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है अबाउट JEE Mains एग्जाम वो रिलीज कर देगा, बट NTA ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की. सो NTA ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, बट आज की इस वीडियो में कुछ अनऑफिशियल अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, कुछ अनऑफिशियल अनाउंसमेंट्स बताने वाला हूँ जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी पोस्ट पर अपलोड की है. एंड उनका कहना है कि कुछ NTA है, हमारे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है JEE Mains से, कुछ सिलेबस से, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए. आई होप ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए. एंड गाइज, इस वीडियो में मैं अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा. सो आपको सेम करना है कि इस वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि मैं फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ. इस वीडियो में मैं सभी पॉइंट्स जो कि ऑफिशियली कोई ना कोई जगह पर अपलोड है, जिसकी मैं सभी प्रूफ दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड हर जो भी फैक्टर बताऊंगा, जो भी हमारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, वो सभी जेन्युइन होगी. कुछ ऐसे फैक्टर्स भी बात करेंगे JEE Mains एग्जाम से रिलेटेड जिससे हमारे जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं. तो अभी कोरोना वापस से सेकेंड फेज पे आ चुका है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए. एंड गाइज, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है. उस सरप्राइज़ की मैं छोटी सी हिंट दूंगा कि हम आप सभी के लिए एक शॉर्ट नोट सीरीज़ लेके आ रहे हैं. सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ये इम्पॉर्टेंट होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए. इन नोट्स में मैंने हर वो पॉइंट कवर किया है, फॉर्मूला शीट्स हैं आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक से जो आपके पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड. सो यार, एक ही रिवीजन नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में सब कुछ मिल रहा है, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड टू रिलीज दिस सून, एंड फॉर दिस नोट्स आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा. सो सब्सक्राइब करो, अभी कुछ दिनों बाद आपको वो वीडियो मिल जाएंगे. सभी वीडियोज में डेली वाइज में दूंगा आपको, एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं मैंने उसमें, प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपके लिए. सो उसको डाउनलोड करने के लिए, एक सपोर्ट के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो एक्सपेक्टेड है, एंड हर चीज़ का मैं प्रूफ दूंगा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन फेक नहीं है, तो उसके लिए आपको एक लाइक करना पड़ेगा. चलते हमारी वीडियो की तरफ, सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, सभी पॉइंट्स जेन्युइन हैं, तो देखते हैं JEE Mains 2021 के लिए. सो गाइस, कैरियर 360 का आपने सभी ने नाम सुना होगा, जो कि हमेशा इंटरनेट पर JEE Mains क्लास 12th पे टॉप पर रहती है. सो कैरियर 360 का कहना है, उसकी एक पोस्ट में, उसने जो कल पोस्ट की थी उसमें कहना है उसका कि उसके कुछ सोर्सेज NTA में हैं जिनकी मदद से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया. वो इन्फॉर्मेशन है कि जो JEE Mains एग्जामिनेशन है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे कोई भी स्कूल्स ओपन नहीं है, कुछ भी अभी ओपन नहीं हो रहा है, अनऑफिशियली जो अनलॉकडाउन है वो फिर भी लॉकडाउन लगा हुआ है काफ़ी सारी जगहों पर, लाइक स्कूल्स ओपन नहीं है, कॉलेजेस ओपन नहीं है, कंपनीज ओपन नहीं है. सो कोरोना वायरस की वजह से जो JEE Mains का एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं. सेकंड पॉइंट गाइस, उन्होंने ये कवर किया कि जो NTA है उन्होंने अभी तक कोई भी रिलीज नहीं किया, ना ही सिलेबस रिडक्शन के बारे में उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की, ना ही उन्होंने जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो बताया. सो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो JEE Mains का एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन्ड होगा. अब गाइस, कुछ फैक्टर्स पर बात करेंगे जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारे JEE Mains जनवरी सेशन को. अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं गाइस, फर्स्ट फैक्टर जो कि कॉमन है, COVID-19. अब COVID-19 अभी तक जो हमारे इलेक्शंस थे उनके पहले COVID-19 हमको ऐसा लगने लगा था कि कोरोना वायरस अब चला गया इंडिया से, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट सडनली आफ्टर इलेक्शन हमारा जो कोरोना वायरस के केसेस है वो अचानक से बढ़ गए. आप देख रहे हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में अभी फ्रॉम 10 PM टू 6 AM इन द मॉर्निंग कर्फ्यू लग चुका है, एंड इन सभी स्टेट्स में जो डेथ रेशियो है वो भी बढ़ गया है, साथ ही साथ इनमें जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं. सो ये एक हद तक हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है. सेकेंड पॉइंट गाइज, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोई भी
कंपनीज ओपन नहीं हुई, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हुए, कोई भी कॉलेज ओपन नहीं हुए, सारे कॉलेज जो भी अभी जिनके एडमिशन हुए हैं वो सभी ऑनलाइन ओपन करने की सोच रहे हैं। सेकेंड मेजर फैक्टर यही है कि कोई भी चीज अनलॉकडाउन नहीं हुआ एजुकेशन में, सो हाउ कैन बी एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट कंडक्ट द जेई 2021 इन जनवरी सेशन, राइट। एंड थर्ड फैक्टर गाइस, जो कोरोना वायरस के केसेस है वो राइज होते जा रहे हैं डेली वाइज में, अगर हम देखें डेली डेटा जो देखते हैं उसमें राइज होता जा रहा है, सो गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगी कि उनके स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम में आए। एंड गाइस, सिलेबस रिडक्शन का कुछ भी अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही अनऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट है। वन मोर पॉइंट गाइज, कि जो CBSE के एग्जाम्स हैं वो भी, उसमें भी पोस्टपोनमेंट का हम देख सकते हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र ने अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है फ्रॉम 45 to 60 days। सो गाइज, अब जब CBSE भी एग्जाम पोस्टपोन कर रहा है तो JEE मेंस का हाईली एक्सपेक्टेड हो जाता है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। इन माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता, आप सभी को पसंद नहीं आएगा, बट एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो हम 70-30 का रेशियो है कि 70% चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो जाए फरवरी में। आई होप गाइज, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी हो वो आपको समझ में आई हो एंड आपको रियल लगी हो, एंड जो भी हमने इस वीडियो में बात की उन सब का प्रूफ के थ्रू मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैरियर 360 की लिंक दे दूंगा, एंड जो केसेस हैं अगर आपको देखना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं उसके लिए। गाइज, आप सभी के लिए सरप्राइज बाकी है, तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इतनी सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, सो एक सपोर्ट मेरे लिए बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दें मेरे लिए, मेरे कहने पर दबा दीजिए। एंड आई गारंटी यू के जो दीज नोट्स जो मैं अगले कुछ दिनों बाद अपलोड करने वाला हूँ वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, और उन नोट्स से मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली, अच्छी तरह रिविजन कर लिया, तो आप 150 to 200 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड आई होप आपने लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।